आज की इस वीडियो में दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप शायद ही जानते होंगे। नंबर वन, दोस्तों मोबाइल टावर पर इस गोल बॉक्स को आपने तो जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं यह चीज आखिर क्या है? बता दूं आपको, मोबाइल टावर में लगी इस बॉक्स को सर्कुलर एंटीना या पैराबोलिक एंटीना बोलते हैं, जिनका काम सिग्नल को लेना और भेजना होता है। अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आप फोन पर जो भी बोलते हैं उसे फोन रेडियो सिग्नल में बदल कर आपके नजदीकी टावर को भेजता है। टावर पर लगा हुआ यह बॉक्स इन सिग्नल को कैच करता है और फाइबर ऑप्टिक नाम की केबल के जरिए दूसरे टावर तक भेजता है। दूसरे टावर पर लगा हुआ बॉक्स केबल के जरिए आए हुए सिग्नल को कैच करता है और इन सिग्नल को आपके दोस्त के फोन तक भेजता है। फोन पर पहुंचते ही ये सिग्नल फिर से आवाज में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया के कारण फोन की मदद से आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। नंबर टू, दोस्तों क्या आप जानते हैं बिना सिर के काकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है? हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना है। काकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है, इसलिए ये अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वह सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए काकरोच एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। काकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वह पानी नहीं पी सकता है और प्यास से मर जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।